नेपा नगर की बसाड़ नर्सरी के अंदर एक काजू का पेड़ लगा हुआ है जिसपे अप्रैल महीने में काजू की बहार आ चुकी है। ये देखिए पक गए हैं ये वाले काजू, और ये अभी कच्चे हैं, कुछ हरे हैं। ये देखिए ये भी खा सकते हैं, ये जो पक गया है ये भी टेस्टी रहता है, इसे तो कच्चा ही खा सकते हैं। कटहल के जैसा टेस्ट है इसका, और ये काजू को आप डायरेक्ट नहीं खा सकते, इसका एक प्रोसेस होता है, वो भी बताएंगे कि कैसे इसको प्रोसेस करके खाते हैं। बंद करो दोस्तों। ये काजू को हम ऐसे डायरेक्ट नहीं खा सकते, इसमें से गैस बनती है, इसको ऐसे तोड़ के इसके अंदर डाला जाता है, ये फूटता है, तुम हिलो मत, आप फूटते हुए दिखाना, सब एडिटिंग मार देंगे मेरे को। अभी इनमें धमाके होंगे, इसमें से गैस निकलती है, फिर उसके बाद इसके अंदर से काजू निकलेगा अखरोट जैसा, इसको फोड़ के इसके अंदर से काजू निकालना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये भुंजा हुआ हमने काजू निकाला है, उसको फोड़ के देखते हैं क्या निकलता है अंदर। ये है काजू, थोड़ा सा गर्म है, अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक ही निकाला है हमने, बाकी उसके अंदर ही है। ये देखिए ये ताज़ा बिल्कुल झाड़ से निकला हुआ, अभी आपके सामने तोड़ के लाए हैं, और ये काजू थोड़े चटके मार रहा है, बाप रे बाप रे बाप रे। ये देखिए थोड़ा गर्मा गर्म है, खा के टेस्ट भी देखते हैं बाजार के काजू जैसा है कि नहीं। एक को थोड़ा सा गर्म में खा लेते हैं, एक को थोड़ा ठंडे में देखेंगे, टेस्ट तो बिल्कुल वैसा ही है, गर्म में ही वैसा है, ठंडे में तो पता नहीं। लो आप भी देखो।